सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आपको दिखाऊं तो अच्छी सी धूप लग गई है, सुहावना सा मौसम हो रखा है। तो अभी हमारा नाश्ता हो गया है और आज हमारे यहाँ पानी भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, तो चलती हूँ और आप लोग वीडियो में बने रहिए। और आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है और माल्टे भी पक गए हैं, तो काफ़ी सुंदर माल्टे भी दिख रहे हैं पेड़ों पर। अभी आ गई हूँ मैं धारा, कपड़े भिगाने के लिए मैंने रख दिए हैं। और आज का मौसम कुछ चैन सा हो रहा है, किसी टाइम हल्की सी धूप लग रही है, किसी टाइम तेज़ वाली धूप लग रही है। तो बाकी अभी मैं फटाफट से कपड़े धोती हूँ। हमारे गाँव के धारे के आगे बड़े बड़े खड़ी के पेड़ हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं लगती है और नैना नंगे पाँव ही आ रखी है धारा। आज हमारे गांव में किसी के घर पर भी पानी नहीं आ रहा है, तो अभी काना भी आ गई है डब्बे लेके पानी के लिए। अभी काना ने पानी के डब्बे भर दिए हैं और आज हमारे यहाँ पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो आज काना इन डब्बों से भरेगी पूरा पानी। अभी मैं धारा से कपड़े धो के घर आ गई हूँ, कपड़े डाल दिए हैं माँ ने सुखाने के लिए और अभी बना रही है माँ यहाँ पर भात। अभी हमारा लंच बनके तैयार हो गया है और आज लंच में बना हुआ है फाणु भात, और हम लोग सर्दियों में फाणु भात अधिकतर खाते हैं। अभी हमारा खाना हो गया है और अभी हम सोच रहे हैं खटाई बनाई जाए, तो काना पीस रही है नमक, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अभी पीस रही हूँ मैं नमक सिलबट्टे में, ये दो पत्थर होते हैं इसको सिल बोलते हैं, इसको बट्टा बोलते हैं। और नमक के साथ साथ पीस रही हूँ मैं हरी लाल मिर्च और लहसुन की फलियाँ। तो जल्दी से फटाफट से नमक पीसते हैं। हम पहाड़ी लोग अधिकतर सिलबट्टे का यूज़ किया करते हैं और यहाँ पर हमारा सिलबट्टा थोड़ा टूट भी गया है। अभी मैंने नमक पीस के तैयार कर दिया है खटाई बनाने के लिए। यहाँ पर माँ माल्टी काट रही है, खटाई बनाने की तैयारी हो रही है। अभी खटाई बनके तैयार हो चुकी है, तो खाते हैं टेस्टी टेस्टी खटाई। अभी शाम के लगभग 4 बज चुके हैं, धूप भी अपने गांव से जा चुकी है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है। काना यहाँ पर बर्तन धो रही है और मुझे जाना है धारा पानी के लिए, तो चलती हूँ। अभी हम धारा जा रहे हैं पानी के लिए, और पहले यहाँ नीचे था रास्ता, हम इस रास्ते से लाते थे पानी, और अब सड़क आने की वजह से रास्ता पूरा टूट गया है, तो हम अभी सड़क से जा रहे हैं धारा। अभी मैं धारा आ गई हूँ और यहाँ पर पानी भर गई हूँ, और आज धारे पर पानी बहुत कम आ रहा है। सुबह से अभी तक लोग पानी ले जा रहे हैं धारे से। तो इस ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ताई फाड़ रही हैं लकड़ियाँ कुल्हाड़ी से, लकड़ी फाड़ रही है हाँ, और यहाँ पर दीदी बैठी हुई है। हाँ तो यहाँ देखिए, ये मिसालू मिसालू
दोगने आ दिन कबार बान आ भी खाए यमने हाँ वार बेजास्ता हाँ मगर लगान सार करना करना हाँ खाड़ी तेल है हमारे पहाड़ की नारी कुछ भी कर सकती है और यहाँ देखिए लकड़ियाँ फाड़ी जा रही हैं। हमारी पहाड़ की नारियाँ पहाड़ भी तोड़ सकती है। हाँ यहाँ पर देखिए ताई इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, इतनी ताकत लगा के लकड़ियाँ फाड़ रही हैं। हमारे पहाड़ की महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं, वो अपने पशुओं के लिए घास के लिए दूर जंगलों में जाती हैं और यहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ फाड़ रही हैं। बहुत ही मेहनती हमारे पहाड़ की महिलाएं होती हैं। बाय 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 बाय। नजर सिवान पलगी, हेलो ये भी नजर सिवान पलगी और कुलारी का एनिमल आ रही आयो नो बोबी पर आंख नहीं दियो खुल आंख नहीं दियो खुल बाबू आंख नहीं दियो खुल है मेरा टिंकू।